मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ऐसे में अब रमज़ान का महीना करीब है और रमज़ान में होने वाली तमाम परेशानियों को देखते हुए मुंब्रा पुलिस ने आज मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में हॉकर्स यूनियन, ऑटो यूनियन, ऐसे शहर के और भी कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। इस मीटिंग में बिजली, पानी और खासकर ट्रैफिक के मुद्दे पर चर्चा हुई। रमज़ान में रोड के किनारे हाथ गाड़ी लगाने वालों को अब सड़क के किनारे हाथ गाड़ी नहीं लगाने दिया जाएगा, इन्हें मित्तल ग्राउंड में शिफ्ट करने की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि रोड के किनारे गाड़ी लगाने की वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा MSEB को भी बिजली में सुधार लाने के लिए कहा गया है। इसी तरह एक महिला की शिकायत पर ऑटो यूनियन से दोबारा मीटिंग होगी, क्योंकि ज्यादातर ऑटो रिक्शा चालक मुंब्रा स्टेशन से शिमला पार्क तक या उनके इच्छा अनुसार नहीं ले जाते हैं, जिससे महिलाओं को काफी तकलीफ होती है। इस पर भी मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड ने गंभीरता दिखाते हुए ऑटो रिक्शा यूनियन से दोबारा मीटिंग करने की बात की है। हमने इस दौरान मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड से बातचीत की है, जो आपको सुनाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोगों ने जैसा इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में हमें सहयोग किया है, वैसा ये रमज़ान महीने में भी आप सहयोग देंगे। रमज़ान महीने में जो प्रॉब्लम्स आती है, ये पवित्र महीना है तो प्रॉब्लम्स आती है। पहले MSEB का, तो MSEB के ऑफिसर्स के साथ हमने मीटिंग किया है। उन्होंने उनके ऑफिस में, हर ऑफिस में दो दो ट्रांसफार्मर्स उन्होंने रखे है, और उन्होंने ये कहा है कि हम लोग लोड शेडिंग और बिजली ना जाने की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उतनी हम लोग करेंगे। दूसरा मसला है ट्रैफिक का, तो हम लोगों ने लांबादी साहब को रिक्वेस्ट करके और उनके ऑफिसर्स आज साथ में लेके, आज सवेरे हमने रेलवे स्टेशन से लेकर तो तलाव पाड़ी तक हमने इंस्पेक्शन किया हुआ है। बीच में जो डिवाइडर से वो शंकर मंदिर चौक का जो डिवाइडर है उसके आगे वाले में हर एक बीच बीच वाला एक एक डिवाइडर हमने इसलिए बंद किया हुआ है कि वो ट्रैफिक बंद ना हो सके। रिक्शा वाले साइड को रिक्शा खड़ा करके पैसेंजर उतारे, वो बीच में ही रिक्शा ना खड़ा करे। तीसरा जो है हॉकर जोन का, तो वो कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स को हम लोगों ने बुलाया है, उनको हमने ये सलाह दी है कि आपने जो हॉकर्स जोन आपको डिक्लेयर करना है, हॉकर्स को जहाँ बिठाना है उसकी आप मीटिंग ले लो और वो मीटिंग में तय करो कि कहाँ कहाँ उनको हॉकर्स आप बिठा सकते हैं, हॉकर्स का उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला है। उसके बाद में हम रिक्शा यूनियन की कल हम बैठक बुलाने वाले हैं, रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों को हम लोग बता देंगे, जो सूचना हमको देनी वो अपने ड्राइवर्स को सब सूचना देंगे। सर, जैसे कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लेके कौसा तक इफ्तारी खरीदने के लिए जो सड़कों पर गाड़ियां लगाई जाती थी, तो क्या इस साल वो गाड़ियां सड़कों पर लगेंगी? नहीं, गाड़ियां तो सड़कों पर कभी गाड़ियां नहीं लगेगी, वो TMC वालों को हमने बता दिया है। TMC वाले वो डिसीजन ले लेंगे। TMC ऑफिसर्स की आज हमने बैठक बुलाई थी और उनको आज सवेरे हमने इतर लग किया हुआ है। ने आपको क्या आश्वासन दिया? वो कल या परसों वो मीटिंग लेने वाले, उसके ऊपर से उनके तय हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से रिक्शा की बात आ रही है कि जो रिक्शे यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो नहीं जाते हैं, तो उनके लिए आप रिक्शा? नहीं, ऐसा होगा नहीं है। यहाँ से रिक्शा ट्रैफिक जाम हो गई इसलिए रिक्शा जाते नहीं थे, इस बार ये मसला नहीं आएगा। हर रिक्शा वाला वहाँ वाई जंक्शन कौसा तक, तलावपाड़ी तक 100% जाएगा, नहीं जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी एक्शन ली जाएगी। दी गई जानकारी के अनुसार ट्रैफिक के लिए हर बंदोबस्त किया जाएगा। इसके अलावा मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड़ ने रमज़ान में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर आपके इलाके में बिजली, पानी या और भी किसी भी तरह की समस्या है तो पुलिस से संपर्क करें, ना कि समस्याओं को लेकर रमज़ान के पवित्र महीने में कानून व्यवस्था को हाथ में लें और माहौल को ख़राब करें। अगर ऐसा होता है तो पुलिस इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।